तो अब बात करते हैं दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वो ये कि क्या नई बाइक लेने के बाद आप अपनी होंडा CB500X या हाइनेस इन दोनों में से कोई बाइक बेच दोगे? तो उस पर मेरा जवाब ये है, वेल हेलो यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, एंड आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो भैया शाम हो चुकी है, अभी अभी अपन ऑफिस से आए हैं, माहौल बढ़िया है, नीचे बच्चे खेल रहे हैं, और आज थोड़ा सा लेट हो गया ऑफिस से आने में। कभी बात नहीं, मैंने सोच रखा था कि आज ऑफिस से आएंगे, कैमरा उठाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे और आपसे बतियाएंगे। तो और बताओ भाई लोग, मौज चल रही कि नहीं चल रही? सबसे पहले ये बताओ, काफी ब्लॉग से मैंने पूछा नहीं है, तो मौज चलती रहनी चाहिए, बाकी कुछ चले ना चले मजे फुल होने चाहिए। और बोलना तो पड़ेगा भैया, टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ। तो जर्नी बढ़िया चलती रहनी चाहिए और अपनी चल भी रही है। तो आज मैंने सोचा था आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कशन करना है, क्योंकि अब आप लोग भाई फैमिली मेंबर हमारे यूट्यूब के, तो आपको बताना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी काम है, और वो है जिस सीजे भाई की बाइक वापस करनी है। पिछले 3 दिनों से ना मैं उनकी बाइक लेके रखा हूँ और मस्त चला रहा हूँ, तो आज अभी चलते हैं, मौसम अच्छा है, सीजे भाई की बाइक वापस कराएंगे और वहीं आपसे बढ़िया आराम से बैठ के बात भी करेंगे सुकून से। पिछले 3 दिनों में मैंने इस बाइक को जो इंजॉय किया ना, मतलब सीरियसली स्पीकिंग, अफ्रीका ट्विन से काइंड ऑफ प्यार हो गया मेरे को। और स्टार्टिंग मेरे को लगता था ना ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो है ना DCT, ये मतलब उतना अच्छा नहीं, बट एक्चुअली में बहुत सही चीज़ है। आपका काम बाइक चलाने का जो आधा काम है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो खैर ये इसमें बाइक रिव्यू नहीं कर रहा मैं, जस्ट बता रहा हूँ। हाँ, हम लोग लेपर ट्रेल चल रहे हैं यार, तो सीजे भाई मेरी बाइक ले आएंगे और मैं सीजे भाई की बाइक लेते चल रहा हूँ। तो चलो यार भाई, अपन लोग हाईवे पे आ गए, तो बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। पहला तो ये कि जब से मैंने ये ब्लॉग डाला है कि मैं नई बाइक लेने वाला हूँ, तो 2 तरह के क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अरे भाई नई बाइक क्यों ले रहे हो, आपके पास ऑलरेडी CB500X है तो आप नई बाइक क्यों ले रहे हो, आप मतलब पैसा ख़राब मत करो। दूसरा क्वेश्चन जो लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं वो ये है कि भाई अगर बाइक आप नई ले रहे हो तो क्या आप अपनी बाइक को जो पुरानी है CB500X उसको बेचोगे क्या? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे पास ना जो भाई लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको तो पता ही है, बट जो लोग नहीं देखते, पहली बार आए या याद नहीं है, उनको मैं बताता हूँ। मेरे पास ना टोटल अभी 2 बाइक्स हैं, एक होंडा हाइनेस है CB350 और दूसरी है अपनी CB500X जिसको हम प्यार से कालू बुलाते हैं, और उसके अलावा मेरे पास एक कार है जो कि है टाटा की नेक्सॉन। तो अभी क्या है, जब मैं नई बाइक लूंगा तो उसके आने के बाद मेरे पास टोटल बाइक्स हो जाएंगी 3 और 1 गाड़ी, ठीक है? तो इसलिए ऑब्वियसली लोगों का पूछना बनता है कि क्या आप अपनी बाइक बेचोगे। तो ये जो 2 तरह के सवाल हैं, आज इन दोनों के मैं आंसर दूंगा। पहला ये सवाल का आंसर देता हूं कि यार आप क्यों बड़ी बाइक ले रहे हो जो आपके पास ऑलरेडी बाइक है। तो देखो यार, मैं कैसे समझाऊं इस सवाल का जवाब, मेरे को भी नहीं पता। तो जो राइडर है वो तो यार ये चीज़ समझता होगा। तो जब आप ना धीरे धीरे जब आप बाइक पे स्टेप अप करते हो ना, मतलब सपोज आप 350cc बाइक चला रहे हो, एक टाइम ऐसा आता है जब आपको धीरे धीरे लगना लगता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आप बाइक पे हैंडी हो जाते हो, आप रोड से फ्रेंडली हो जाते हो। आज से 3 साल पहले मेरे को कोई ये बाइक दे देता ना 250 किलो की, मैं इसको 5 किलोमीटर भी नहीं चला पाता, मतलब मैं डर जाता, आज मैं कंफर्टेबली चला रहा हूँ। तो ये होता है, ये नेचुरल है कि जब आप कोई बाइक चलाते रहते हो ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये रियलाइज होता है ना कि अब मैं रेडी हूँ थोड़ा और बड़ा सेगमेंट में जाने के लिए, थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए, और थोड़ी स्पीड पे मैं मेंटेन कर सकता हूँ, मेरे को और जल्दी जगहों पे पहुँचना रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स ना, और ये नेचुरल है, सबके साथ होता है। जिनको अभी लग रहा है ना कि बेचने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप 4-5 राइड अपनी बाइक पे लगा लो, जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, आपको ये लगने लगेगा कि मेरे को भी ना बाइक चेंज करने की जरूरत है, अभी मेरे को और नई बाइक लेनी चाहिए। तो बस यही बेस्ट है जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको कि मैं क्यों नई बाइक ले रहा हूँ, कि बस ये यार देखो लाइफ है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। और कई लोग बोलते हैं पैसा आप बहुत बर्बाद कर रहे हो, देखो पैसा तो ऐसी चीज़ है कि यार कोई कोई ज़्यादा सेव करता है, जोड़ता है, कोई कोई लोग यार खर्च करते रहते हैं। तो मतलब आप मेरे को सेकंड कैटेगरी का मान लो कि मैं खर्च करता रहता हूँ। तो मेरा यही मानना है यार कि ज़िंदगी में अगर कुछ करने का मन हो ना, तो बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स नहीं आने चाहिए, कर लेना चाहिए, मज़े हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। आप जब खर्चे ज़्यादा करोगे तो हो सकता है कमाने के लिए भी हाथ पैर चलाओ। देखो मैंने YouTube स्टार्ट कर दिया, तो वो चीज़ है ना। तो बस यही मेरे पास बेस्ट आंसर है, इस बाइक को धीमे चलाने में ना मज़े नहीं आते, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब ये बाइक जब आप चला रहे हो ना, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको इधर से या इधर से ओवरटेक कर जाए, मतलब आप इंटिमिडेट हो जाते हो, मतलब आपको ये आदत होती है कि लोग पीछे जाएँ, इससे आगे ना जाएँ। एनीवेज हमें तो व्लॉगिंग करनी है, अपन प्यार से चलाएंगे बिल्कुल। बाइक्स हैं, कार्स हैं, ये सब ना डेप्रिसिएटिंग एसेट्स हैं, अगर ये खड़े रहते हैं तो इनकी वैल्यू कम होती, ये तो सबको पता है। और
बाइक्स और गाड़ियों के साथ एक चीज और भी होती है कि अगर आप इनको प्रॉपर यूज में नहीं ला रहे हो, मतलब आप अगर आप इसको नहीं चलाओगे ज्यादा दिन, तो ना इसकी दो चीजें होती हैं, एक तो वैल्यू तो कम हो ही रही है, प्राइस तो कम हो ही रहा है, दूसरा ये कि इनकी इनमें ना प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं बाइक। कालू को भी मेंटेन करूंगा मैं, हाइनेस भी मेंटेन करूंगा, और जो बाइक नहीं लूंगा वो भी मेंटेन करूंगा। तो ये एक एक्चुअली मेरे को भी ये चीज मेरे दिमाग में है, बैक ऑफ माइंड चल रही है कि कैसे होगा ये सब हैंडल। तो अभी अपन पहुंचने वाले हैं लेपर्ड ट्रेल। आजकल मौसम गुड़गांव में अच्छा हो रखा है, तो लेपर्ड ट्रेल बड़ा ठंडा हो जाता है, मतलब जंगल वंगल टाइप के हैं वहाँ पे, थोड़े पहाड़ जंगल पेड़ वेड़, तो थोड़ा माहौल सही रहता है, तो वहाँ मजे आते हैं। चाय वाय पियेंगे, सीजे भाई से मिलेंगे, बाइक एक्सचेंज करेंगे, अपना कालू वापस लेके आएंगे। इस बाइक की ना लत लग गई, इसने आदत खराब कर दी मेरी 3 दिनों में, सही बता रहा हूँ मैं। खाली रोड आ गई भाई, थोड़ा बाइक इंजॉय कर लेते। अरे यार ये होते हैं जिंदगी के मजे। वही गाड़ी वाले भैया थोड़ा स्लो करा ले। इस एरिया में आते ही ना गुड़गांव में थोड़ा सा टेम्परेचर अपने आप कम हो जाता है, वेदर इतना बढ़िया हो जाता है। 6 बज रहा है शाम का, प्लेजेंट जिसको बोलते हैं, और 100 की स्पीड पे अपन बेहतरीन क्रूज करते हुए माजो आगो टर्न मार लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से सुख शांति स्टार्ट, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, ज़्यादा मचमच नहीं, चिल चिल चिल। ये मतलब हम लोगों की बहुत फेवरेट स्पॉट है ये इस समय लेपर्ड ट्रेल, और वीकडेज पे, वीकेंड पे अगर आप यहाँ आए ना तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा वो रहती है भीड़। बाकी ब्लॉगरों का यार मेरे को पता नहीं लोग क्या बात करते हैं क्या नहीं बात करते, मेरे को यार इन सब चीज़ों में ना अपने काम में जेन्युइन रहना पसंद है। मतलब जो भी मेरा लाइफ में चल रहा होता है मेरी ब्लॉगिंग से रिलेटेड, वो मैं हमेशा आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हाइनेस ना आपने बेच दी है, तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई टेंशन ना लो, मैंने बेची नहीं है, मैं बेचता तो मैं बता के बेचता, मेरी चीज़ है यार, मैं ऐसे थोड़ी मतलब बताऊँ छुपाने में क्या मिल जाएगा मेरे को। हाइनेस अपने पास ही और बहुत जल्दी आ जाएगी, और ट्रिप भी लगाएंगे उस पर बहुत ही जल्दी, जस्ट वेट एंड वॉच। लो जी आ गए लेपर्ड ट्रेल पे, मतलब लेपर्ड ट्रेल वाली रोड पे। तो एक क्वेश्चन का जवाब तो मैंने दे दिया कि आप बाइक क्यों लेना चाह रहे हो नई, एंड आई होप आप लोग मेरे दिल की बात समझ पाए होंगे। और जो दूसरा आप लोगों का सवाल है, जो सबसे ज्यादा पूछा कि क्या आप अपनी CB500X बेचने वाले हैं, तो उसका जो जवाब है वो है कि अभी जरा चाय पीते हैं चल के ढाबे में, फिर आपको बताते हैं। वो फेस टू फेस बात करेंगे, अभी मेरा मुंह नहीं दिख रहा है। ट्विस्टीज में यार ये बाइक चलाने में मजा आता है, एंड इट राइड्स रियली रियली कंफर्टेबल। मतलब आपको फील नहीं होगा कि आप 250 किलो की बाइक लेके ट्विस्टीज पे टर्न मार रहे हैं, बट यहाँ डर सिर्फ ये रहता है कि यहाँ लोग ना लेन फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ थार आर वाले भैया उल्टी साइड से आ जाते हैं। तो आमना सामना अगर हो गया ना तो भैया अपन बाइक पे हैं, यहाँ के लोगों का कुछ भरोसा नहीं है कब जो है उल्टी दिशा में चल पड़े। लोगों ने रोड पे कैसी रेत फैलाई, अरे बाप रे, लोग क्या करते हैं ना गाड़ी ऐसे चढ़ा देते हैं इस पे, देखो पूरा रोड पे रेत आ गई है, टंग ट्विस्टर हो गया भैया, प्यार से निकाल लेते हैं। लद्दाख की याद आ गई, खत्म रोड शुरू। तो जी अपन पहुंच गए अपने जंगल कैफे। यहाँ पे अपन आराम से चाय पियेंगे, सीजे भाई का इंतजार करेंगे, और आपसे करेंगे प्यारी प्यारी बातें। हमने पास एक रिवर्स गियर होना चाहिए, व्हाट आई रियली मिस इन एडवेंचर बाइक्स में ना, इनको पीछे खींचना इज अ मेस। बस भैया जितनी चलेगी उतनी बहुत। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज कि अगर आपको इनमें सेंटर स्टैंड लगाना हो तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। देखो भैया लगता है कि नहीं लगता है हमसे, लेट्स ट्राई। अरे लग गया यार, प्यार से लग गया, नाइस। तो चाय अपनी बिल्कुल ऑर्डर हो चुकी है, और मैं मोबाइल का माउंट लाना भूल गया, नहीं तो मैं आराम से मोबाइल फिट कर देता और आपसे बात करता, बट एनीवेज ऐसे ही बात करेंगे। तो अब बात करते हैं दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वो ये कि क्या नई बाइक लेने के बाद आप अपनी होंडा CB500X या हाइनेस कालू या हाइनेस, इन दोनों में से कोई बाइक बेच दोगे? तो उस पे मेरा जवाब ये है कि जवाब देने से पहले मैं आपको दो बातें बताता हूँ। तो पहले चलो जवाब ही बता देते हैं, तो उसका जवाब है कि यस, मेरे को एक बाइक जो है मैं काफ़ी सोचने विचारने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी एक बाइक बेच दूंगा, और वो बाइक है CB500X। ये तो आपको अंदाज़ा हो गई, तो आई नो कि आप लोग, मैं, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बाइक है, बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ मैं उससे, और आप लोगों के लिए भी, मतलब आप लोग मेरे से ज़्यादा उससे कनेक्टेड फील करते हो, मेरे को सारी बातें पता हैं। तो आप 2 मिनट मेरा जस्टिफिकेशन सुन लो, उसके बाद आप जो है किसी उस पर जाना कि मतलब मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। देखो यार, जो दोनों कारण है उसको बेचने का डिसाइड करने के लिए, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और पहला कारण ये है कि 4 गाड़ियाँ मेंटेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, मतलब 4 व्हीकल मेंटेन करना, उनकी प्रॉपरली सर्विस कराना, उनको चलाना, ये बहुत मुश्किल काम है, और कहीं ना कहीं जो है उनकी वैल्यू भी डिप्रिसिएट होती चली जाएगी। तो ये इट्स ए टफ टास्क, और जॉब के साथ साथ मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम, मतलब आई होप आप समझ रहे हो ये चीज़, मैं दिल से बोल रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था मैं छुपा के कोई काम नहीं करता, तो जो है वो सामने है यार, मतलब मेरी जो मजबूरी समझ लो, आप जो भी समझ लो। दूसरा जो रीज़न
रीज़न है वो ऑफ कोर्स पैसा है, कि अगर मैं अपनी सी वी 500X बेच दूंगा, जो कि मेरे को, मैंने एक दो लोगों से बात करी ऑलरेडी, मतलब क्योंकि मैंने जब ब्लॉग डाला था ना कि मैं नई बाइक लूँगा, तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने मेरे को ऑफर दे दिया कि आप अपनी पुरानी बाइक हमें बेच दो, तो मैंने एक दो लोगों से बात भी करी कि अगर मैं बेचूंगा तो बताओ, तो मेरे को काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं उसके, तो ये होगा कि मैं उस पैसे से नई बाइक लूँगा तो मेरा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कम हो जाएगा, तो मेरे को फ़ायदा होगा। तो ये दो बड़े कारण हैं, और पहला कारण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा तो चलो ये ठीक है कि मैं मैनेज कर लेता समाउ, मैं बिना बेचे भी ले सकता था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन जो कारण है वो ये है कि यार चार बाइक मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम मेरे लिए। जब मेरे पास दो बाइक थी ना, हाइनेस और सी वी 500X, तभी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था मेंटेन करना, तो अभी तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब ये डिसीजन कि मैं सी वी 500X क्यों बेच रहा हूँ और मैं हाइनेस क्यों नहीं बेच रहा हूँ, तो यार देखो ये बिल्कुल जेन्युइन इसका रीज़न है कि सिटी पर्पज़ के लिए मेरे पास सी वी 350 रहेगी, वो ज़्यादा बेटर बाइक है। मतलब दोनों बड़ी बाइक रख के मेरे को फ़ायदा नहीं होगा, सपोज मेरे को मार्केट जाना है, कुछ सामान लेने जाना है, सब्जी लेने जाना है, तो मैं हाइनेस प्रेफर करूँगा, और जब मेरे को दूर दूर जाना है तो मैं नई वाली बाइक प्रेफर करूँगा। तो बस ये है कि इसलिए जो है मैंने भारी दिल से मैंने ये प्लान बनाया कि मैं अपनी सी वी 500X बेच दूंगा। तो यार आई होप आप लोग प्लीज़ समझ रहे होगे इस चीज़ को कि यार मेरे जो हालात हैं वो, मेरे को पहले समझ नहीं आ रहा था कैसे मैं आप लोगों को बताऊं, फिर मैंने कहा यार आप लोग तो फैमिली के मेंबर हो, आपसे तो बताना बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये यार रीज़न है जिसकी वजह से मैं सोच रहा था कि सी वी 500X मैं बेच देता हूं और नई बाइक ले लेंगे, दो बाइकें रहेंगी एक गाड़ी रहेगी, तो मेंटेन करना भी मेरे लिए जो है काफ़ी आसान होगा उसको। चाय बन गई भैया, उधर ही रख दो, बाहर ही ले चलो, उधर ही पियेंगे। अरे अंधेरे में यार मज़ा सा नहीं आता चाय पीने में। थैंक यू सीजी भाई आने वाले, मैं ना थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि मेरे को ना व्लॉग बनाना था। आई होप आप लोग मेरे अंदर की जो बात है वो समझ पा रहे होगे, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। और एक और जो तीसरा कारण है वो मैं आपसे डिस्कस करना भूल गया, वो ये है कि यार मैं हो सकता है कालू को उतना टाइम ना दे पाऊँ, जब मैं बड़ी बाइक और ले लूँगा तो मैं वो चलाऊँगा, हाइनेस चलाऊँगा, तो हो सकता है मेरे लिए वो उतनी मैं उतना ना चला पाऊँ, बट किसी और के पास अगर वो जाएगी ना उसके लिए तो वो पहली बाइक होगी, मोस्ट प्रोबेबली पहली बड़ी बाइक जैसे मेरे लिए थी जब मैंने ली थी, वो यार उसको दिल से रखेगा भी और मस्त दिल से चलाएगा भी, मतलब वो भी उतनी केयर करेगा जितनी मैं उसकी करता हूँ, मतलब बिल्कुल चमका के रखेगा, अच्छे चलाएगा, और वो मेरे से ज़्यादा अच्छे से रखेगा क्योंकि मेरा तो केयर तीन बाइकों में डिवाइड हो जाएगा, बट वो तो एक बाइक को ही देखेगा। तो ये भी एक रीज़न है कि मैं सोच रहा था कि मैं बाइक अपनी जो है किसी को दे दूँ, किसी को ज़रूरत है जो नई नहीं ले पा रहे हैं, जिनका बजट थोड़ा कम है, तो यार उनका काम हो जाएगा तो मतलब सबका काम चलेगा एट द एंड। तो ये था प्रॉपर, मैंने बता दिया, बस बात यही है, एक अंदाज़ा दो, 3 लाख, ये है 20 लाख रुपये की। अरे मेरी नहीं भाई, मेरे दोस्त की, 20 लाख, ये 20 लाख रुपए की, सही है ना? भाई ये डॉग मैंने अपनी चाय वहाँ रखी थी, भाई साहब आए उठ के चाय पी के चले, एक से एक चीज है। अच्छा ये बहन जी है, भाई साहब नहीं है। आई थिंक सीजे भाई आ चुके हैं, क्या बात है, पीछे एक और बाइक आ चुकी है, आई डोंट नो विच बाइक इट इज, बेहतरीन। यो सीजे भाई, अपना कालू आ चुका है एंड साथ में एक मल्टी स्टार्टर भी आया, डोंट नो आपकी बाइक चला रहा है भाई, आपकी बाइक ने मेरे को बिगाड़ के रख दिया 2 दिनों में, सीरियसली। दो बंदे ऑफिस में मेरी सीट पे आए, बोलते हैं भैया ये बाइक आपकी है जो नीचे खड़ी है पार्क की। मैंने कहा मेरी तो नहीं है लेकिन अभी इसका मालिक मैं ही हूँ। तो फाइनली यहाँ से निकलने का टाइम, बाइक सवारी एक्सचेंज हो चुकी है, कालू अपना अपने पास आ चुका है, और साथ में सीजे भाई के फ्रेंड आए जिनके पास है मल्टी स्ट्राडा, बेहतरीन बाइक है ये, इसको बोलते हैं फरारी एडवेंचर बाइक्स की, एक्चुअली में बहुत पैक्ड परफॉर्मेंस है मल्टी स्ट्राडा का। सीजे भाई के फ्रीका ट्विन सीजे भाई के पास, अपना कालू अपने पास। अपने कालू के हाथ आते ही पहली जो मैं चीज़ बताऊँ पता है क्या है, इट्स एक्सट्रीमली लाइट। 3 दिन से मैं बहुत भारी बाइक चला रहा हूँ तो मेरे को इतनी हल्की फील हो रही है यार ये बाइक, एंड इट्स क्वाइट ईजी टू मनूवर। यार ये बात है ऑफ रोड में, मतलब ऑफ रोड में आपको हल्की बाइक ही चाहिए होती, इतने प्यार से मैं इस पर ऑफ रोडिंग कर पा रहा हूँ ना, अफ्रीका ट्विन में वो पॉसिबल नहीं। अपना कालू बहुत लाइट है लेकिन पावर में यार अफ्रीका ट्विन बहुत आगे है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है मेरा पावर ना छीन लिया गया मेरे से, लेकिन मेरी बॉडी ना कालू के लिए डिजाइंड हो चुकी एंड इट्स मोर कम्फर्टेबल। भाई इसका सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है, बड़ी लाइट जलाते हैं जरा, हाँ अब तनी दिखा, क्या बात है यार, इसमें कितना इजीली मैं वो कर पाता हूँ, मतलब बॉडी ना ट्यून्ड है बिल्कुल मेरी कालू के लिए। मज़ा आ गया यार। अभी अपन मिलने वाले हैं जीशान भाई से, वो भी अभी अपने ऑफिस से निकले हैं तो वो हमें रास्ते में मिलेंगे। यार अचानक से आंधी आई और हल्की हल्की बारिश होने लग गई तो हम लोगों को प्लान चेंज करना पड़ा अपना। अरे सर बारिश। तो अब अपन लोग निकलते हैं घर, फिर कभी बैठेंगे क्योंकि बाइक से है ना फिर भीग जाएंगे यार, जीशान भाई भी घर जाएंगे अपन भी घर जाते हैं। बाय बाय सर, चलो परसों मिलते हैं।
पहुंचते हैं जल्दी से घर इससे पहले बारिश हो जाए तेज। तो गाइस अपन आ गए घर और अब आपको आगे की बात बताते हैं। मतलब बाइक्स की राइड तो मैं करता ही रहूंगा नई बाइक के लिए। अब जो नेक्स्ट बाइक अपन चलाने वाले हैं वो वर्सेस 1000, उसके बाद अपन चलाएंगे ट्राइम्फ टाइगर 900। सारी बाइक्स टेस्ट कर लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे जो हम लोग बाइक लेने जाएं। और इन टेस्ट राइड्स के अलावा ना अपनी एक्चुअल राइड्स भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत जल्दी हम लोग जाने वाले हैं एक और सफर पे और मस्त मजा आएंगे। अपने कालू से ही जाएंगे यार, कोई टेंशन नहीं है, मस्त फुल एंजॉय करते हुए चलेंगे। और जैसे वो राइड स्टार्ट होगी फिर उसके वीडियोस डालना स्टार्ट कर देंगे और इंस्टाग्राम पे तो आपको पहले ही बता देंगे। तो अभी तक अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भैया कर लो, ये मेरी डिस्प्ले आईडी नीचे दिख रही होगी। तो ठीक है, दोनों चीज़ें पैरेलल ही चलेंगी, अपन बाइक का काम भी करते रहेंगे और साथ ही साथ घूमने फिरने का काम चलता रहेगा। तो आई होप यार आज जो बात हुई, जो मैंने आपके साथ अपनी मतलब अपनी एक्चुअल सिचुएशन और फीलिंग्स जो शेयर करी आप उनको समझ गए होंगे, एंड थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखोगे एक भयंकर बाइक की टेस्ट राइड यानी कि वर्सेस 1000 की। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय।